व्हाट्सएप का इस मतलब नंगापन के सो वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आपको सुनाना और जताना चाहते हैं भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो प्राइवेसी पॉलिसी है व्हाट्सएप का, 15 मई तक इसका लास्ट डेट था भाई साहब, वो आने ही वाला है। और इसके बारे में पूरा जानकारी देंगे, अगर इसको आप अलाउ करोगे, एक्सेप्ट करोगे तो क्या हो सकता है, अगर नहीं करोगे तो क्या और हो सकता है, या इसका दूसरा कोई ऐप से आपको मतलब प्राइवेसी पॉलिसी में बहुत ही सिक्योर मिलेगा, तो पूरा जानकारी देंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहले दोस्तों, व्हाट्सएप का प्राइवेसी पॉलिसी 3 महीना पहले ऐसे कुछ बोला था कि भाई साहब इस प्राइवेसी पॉलिसी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट किया जाएगा, ब्लॉक किया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा। और उसके बाद बहुत सारा ऑल्टरनेटिव ऐप भी आ गया, बट व्हाट्सएप में भाई हम लोग बहुत दिनों से इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको छोड़ के जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब हम छोड़ेंगे तो रिश्तेदार या दोस्त वगैरह नहीं छोड़ सकते, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके बारे में पूरा बताते हैं आपको। जैसे कि व्हाट्सएप का प्राइवेसी पॉलिसी 15 मई तक इसका लास्ट डेट है, अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे तो आपका जो चैट वगैरह है या गैलरी में जितना भी मतलब फोटो वगैरह आप सेंड करोगे, सब के सब उन लोगों के पास सिक्योर रहेगा। उन लोग देख भी सकता है, नहीं भी देख सकते, उन लोगों का मामला है। बट इंडियन गवर्नमेंट को बता रहा है कि भाई हम लोग नहीं देखेंगे आप लोगों का प्राइवेसी पॉलिसी, बहुत ही हम लोग अच्छे तरीके से पैक करके रखेंगे, कोई नहीं देख सकता, ठीक है। और भाई साहब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इंडिया हाई कोर्ट में दोस्तों इसका एक केस चल रहा है व्हाट्सएप का प्राइवेसी को चलते। 13 मई तक इसका रिजल्ट है और इसमें देखते हैं दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट इसको क्या बोलता है कि इसका प्राइवेसी पॉलिसी जो इंडिया में ही सिक्योर रहेगा, और सबका जितना भी प्राइवेसी पॉलिसी इंडिया में ही सिक्योर रहेगा, आउट ऑफ कंट्री में नहीं जाएगा, ऐसे बोलेगा तो हो भी सकता है, बट क्या कोई गारंटी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो भाई साहब व्हाट्सएप का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्या करें, दूसरा कुछ ऐप्स है, हाँ भाई साहब है, मैं इस्तेमाल करता हूँ भाई पर्सनली, टेलीग्राम इस्तेमाल करता हूँ, आप भी इस्तेमाल कर सकते हो भाई, उसमें मिलियंस ऑफ बिलियंस आदमी इस्तेमाल करता है वीडियो चैट हो, तो मैं बोलूँगा दोस्तों ओ भाई बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें प्राइवेसी पॉलिसी का कुछ दिक्कत नहीं है, आपका चार्ट भी वो नहीं पड़ता, ना कुछ करता है, ना ऐड आता है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं होता उसमें, सिर्फ आप और जिसके साथ चैट कर रहे हो दोनों में सिक्योर रहता है, दोनों में ही सिमिलर रहता है, ठीक है दोस्तों, ये पूरा सिक्योर है। अगर आप सोच रहे हो भाई साहब व्हाट्सएप तो छोड़ के नहीं जा सकते, अगर आप नहीं एक्सेप्ट करोगे प्राइवेसी पॉलिसी व्हाट्सएप का, तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, मतलब हटा दिया सकता है कुछ ही दिनों के बाद, मतलब 15 मई के बाद कुछ दिन, सोचो कि 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हो, अगर कुछ सेंड नहीं कर पाओगे, कुछ दूसरा कोई आदमी अगर सेंड करेगा वो सेम नोटिफिकेशन मिलेगा, आप चेक भी कर सकते हो, नहीं भी चेक कर सकते हो, इस कुछ गारंटी नहीं है, ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम है व्हाट्सएप का। और भाई साहब इतना मतलब प्रॉब्लम हो रहा है क्या भी बताएं, इंडिया में बहुत ज़्यादा इसके लिए भाई बवाल मच गया। तो आपका राय क्या है, आप व्हाट्सएप में रहोगे या टेलीग्राम या दूसरा कोई ऐप्स में भी जाना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। व्हाट्सएप का इस डिसीजन के मामले में आप क्या बोलना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।